आशीष दुबे जबलपुर के नए सांसद हो गए। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आशीष दुबे को जनता ने अपना जनादेश देते हुए जबलपुर का सांसद चुन लिया। तो हमारे साथ आशीष दुबे के परिवार के सदस्य मौजूद हैं। जितना आशीष दुबे या बीजेपी के कार्यकर्ता खुश हैं, उतनी ही खुशी उन सबके चेहरों पर भी देखी जा सकती है, देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि ये जो जीत है, ये आप आशीष भाई के योगदान के साथ साथ परिवार का कितना इसमें योगदान है? आशीष भैया की जीत के साथ साथ पूरे परिवार का, जबलपुर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के परिवार का, जो हमारा क्षेत्र है वो ही हमारा परिवार है। तो वो हम सभी लोग उस परिवार की तरफ से वो प्रयास है, सिर्फ हमारे घर का परिवार नहीं है। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो परिवार है बहुत बृहद है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं और शहरी क्षेत्र से भी हैं। तो हर जबलपुर का प्रत्येक व्यक्ति हमारा परिवार है और उसका प्रयास हमारी सफलता है। देखिए, जबलपुर का प्रत्येक व्यक्ति कह रहे हैं आशीष जी का परिवार है और उसके प्रयास से ये सफलता मिली। आपको क्या लगता है इस जीत में, किसको श्रेय देंगी आप? सबको, पार्टी को, परिवार को, सबको देंगी। जनता को, जनता का तो सबसे बड़ा योगदान है। मोदी जी को? मोदी जी तो है ही। मोदी जी, देखिए परिवार, जनता और सबके साथ मोदी जी भी। आप बताएं कि आशीष जी की जीत, कितना खुश है परिवार? है बहुत ज्यादा खुश है, खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। और इसके साथ ही हम सबका धन्यवाद करते हैं, अपने जबलपुर वासियों का, परिवार का, मित्रों का, सबका, जिनने हम लोग को सहयोग किया इस जीत में। जी जी, तो आप आशीष जी की भांजी हैं। कितना खुशी है मामा आज सांसद बन गए? बहुत ज्यादा खुशी है कि मामा सांसद बने। देखिए, बहुत ज्यादा बच्चे मामा सांसद बन गए, तो भांजी भी खुश है। आशीष भाई, पूरा परिवार बहुत खुश है, क्या लग रहा है? इनकी भी आकांक्षाएं पूरी हो गई, जब इनके लिए कष्ट ज्यादा शुरू हो गया, अब इनको अब समझ में आएगा आगे की चीजें। लेकिन इन लोगों की बहुत इच्छाएं थी और मुझे लगता है कि मेरे पिताजी के समय से हम लोगों की भी बहुत इच्छाएं थी। ईश्वर के पास से मतलब पिताजी के आशीर्वाद से सफल हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे जो कुछ आज मिला है, शायद इस पे अधिकार पिताजी का था, लेकिन उनके आशीर्वाद से मुझे मिला। तो देखिए आशीष भाई, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो कुछ मिला है अधिकार पिताजी का था, लेकिन ईश्वर ने उनके माध्यम से अवसर बनाया। हमारे साथ भाभी जी भी है, आशीष जी की पत्नी जी भी, उनसे पूछते हैं। आप बताएं कि ये पहले तो वैसे ही घर में नहीं रहते थे, अब तो और समय नहीं मिलेगा, कैसे करेंगे आप मैनेज? हो जाएगा, जैसा बदल परिस्थितियां आती हैं सब मैनेज अपने आप होने लगते हैं, अपने आप को वैसा हम लोग वो करने लगते हैं। तो परिवार के साथ साथ जनता पे भी उतना अधिकार हो गया है? बिल्कुल, मतलब जनता भी उनको अपना ही नेता अपना मान के अब उन पर उतना ही अधिकार रखेगी जितना परिवार? बिल्कुल, उनका भी, जनता का भी उतना ही अधिकार है, उन्हें चुन के लाए हैं तो उनका तो अधिकार बनता ही है, तो उनका भी, उनको सुनना पड़ेगा, हमारी भी सुनना पड़ेगा। लेकिन हमारे मतलब दोनों को बराबर उनको करके चलना पड़ेगा कि भाई हम लोग को भी सुने और उनको भी सुने। बैलेंस उनको करना होगा, बैलेंस बनाने का काम इनका है। ये बताइए कि एक पहली बार परिवार में अवसर आया कि आशीष जी चुनाव लड़े और सांसद का चुनाव है, सांसद बन गए, तो कितनी खुशी है पूरे परिवार में, इतनी पीढ़ी से राजनीति कर रहा परिवार और आज ही अवसर? खुशी है, बहुत खुशी है। पापा के समय से सबकी इच्छाएं थी यही कि पापा को ये मिलना चाहिए था, लेकिन उनके आशीर्वाद से आज इनको ये सौभाग्य मिला। तो पूरा परिवार बहुत ही खुश है हमारा कि बहुत सालों के इंतजार के बाद हम लोगों को ये खुशी हासिल हुई है। तो आप आशीष जी की अर्धांगिनी हैं, अब उनसे आप भी क्या अपेक्षा करती, शहर के लिए क्या करें? विकास कार्य जितने हो सकेंगे सब करें, जनता के लिए मतलब संस्कार धानी है, जो कि नाम संस्कार धानी रह गया लेकिन डेवलपमेंट में बहुत पिछड़ी हुई है, उनको उठाना है कि दूसरे जो बड़े शहर हैं उनके लेवल में लाके खड़ा करना है संस्कार धानी को भी, कि गर्व से फिर हम कह सकें कि हाँ भोपाल, इंदौर जो मध्य प्रदेश के शहर हैं उनसे पीछे नहीं है, जबलपुर भी उनकी बराबरी का है और उनसे आगे ही हो तो और अच्छी बात है। तो देखिए, जनता तो आशीष जी से अपेक्षा कर रही है, परिवार से भी मांग उठ रही है कि संस्कार धानी को जो उसका हक है वो दिलाएं और संस्कार धानी के जो विकास के सपने हैं उसको पूरा करें। तो ये परिवार में आज पूरी तरह खुशी का माहौल है, आशीष दुबे परिवार से सांसद बने, उनके पिताजी भी राजनीति में सक्रिय रूप से थे, चुनाव लड़े थे,
लेकिन जनता का उनको मत वो नहीं मिल पाया था आशीर्वाद, लेकिन उसको आज आशीष जी ने पूरा किया। इस बात को लेकर पूरा परिवार बेहद खुश है और ये उम्मीद कर रहा है कि आशीष जी अब जबलपुर के लिए विकास के लिए बहुत कुछ करेंगे। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।